अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला चंबा की बैठक का आयोजन शनिवार को चंबा चौगान नंबर 1 में किया गया। बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति करने बारे विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला से करीब 80 से 90 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में महासंघ के जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद रिटायर करने हेतु कोर्ट द्वारा आदेश पारित हुए हैं, मगर इस जजमेंट का लाभ सभी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। 60 वर्ष में रिटायर करने का लाभ सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिले, इसके लिए महासंघ प्रयासरत है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त लाभ देने के लिए बैठक में विचार विमर्श किया गया और आगामी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कर्मचारियों का डाटा तैयार किया गया और आगामी दिनों में कोर्ट केस करने बारे चर्चा की गई। बैठक में NPSEA के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। महासंघ के जिला सचिव शोभनाथ यादव ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साथी 58 साल में रिटायर हो रहे हैं। इन साथियों से कोर्ट केस करने बारे मंथन किया गया। इन साथियों का एक साथ कोर्ट केस किया जा सके, जिससे इनकी 2 साल सर्विस पड़ सके। इस विषय में हाई कोर्ट की जजमेंट पहले भी आ चुकी है, जिसका लाभ उन्हें भी मिल सकता है। बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक टंडन, जिला प्रचार सचिव विशाल मियां, चलवाहक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह, NPSEA के जिला अध्यक्ष सुनील जरियाल, NPSEA के पूर्व जिलाध्यक्ष अमित चरियाल, महासंघ के डलहौजी मंडल के अध्यक्ष दीपक भगवालिया, सदर ब्लॉक अध्यक्ष महिंदर कुमार, NPSEA के उप प्रधान उत्तम चंद, NPSEA के संविधान पर्वेक्ष अर्जुन ठाकुर उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जिलाध्यक्ष विजय शर्मा। आज हमारे क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो बैठक थी, उसमें लगभग 100 से करीब लोगों ने इसमें भाग लिया। आज जो बैठक थी, उसका मुख्य था जो 58 से 60 का जो इनका सेवा का कार्यकाल है, जो 2001 के बाद है, उनको 58 का रिटायर किया जा रहा था। इनको 60 साल में रिटायर होने के लिए जो कोर्ट द्वारा जजमेंट आई थी, उस पर आज जो बैठक रखी गई थी, जिसमें लगभग सभी ने भाग लिया और हमने इसमें आज सभी से एक फॉरम जमा करवाई है, जिसमें हम सभी को आगे की कार्रवाई हेतु जो का इनके लिए निर्देश है और इनसे सभी से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाई गई है। इन संघ कर्मचारियों के द्वारा अब जो है न्यायालय में जो है अपना केस किया जाएगा और केस होने के उपरांत ही जो उसमें जजमेंट है वो जो आएगी, उसी निर्णय के आधार पर इनका आगे सेवाकाल विस्तार होगा।